गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पंजाबी क्लास। बच्चों, आज असी अपनी पंजाबी दी क्लास विच पंजाबी व्याकरण अते लेख रचना विचों पाठ पंज नाव जो कि पेज नंबर 30 ते है पढ़न जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ नूं पढ़न तो पहला आओ नाव की हुंदे हन उन्हां बारे जानकारी लईए। बच्चों, साढ़े आले दुआले मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई ना जरूर हुंदा है। असी अपने आले दुआले बहुत सारिया चीज़ा देखते हाँ तो हर चीज़ का कोई ना कोई ना हुंदा है। असी चीज़ा नूं उन्हां दे नां नाल पहचानते हाँ। आओ हेठां दित्तियां तस्वीरां राही समझन की कोशिश करिए। बच्चों, पहली तस्वीर विच देखो, पछाणो यह तस्वीर किस व्यक्ति की है। जी हाँ, मैं जानती हाँ तुहानू सब नू पता है यह तस्वीर साढ़े हरमन प्यारे क्रिकेट के खिडारी युवराज सिंह जी की है। व्यक्ति युवराज सिंह जी। अगली तस्वीर विच देखो कि यह तस्वीर किस स्थान की है। इस स्थान नूं भी तुसी बड़ी चंगी तरह पहचानते हो ते इस स्थान का नाम है ताजमहल। स्थान ताजमहल। अगली तस्वीर देखो, यह तस्वीर किस जंतु की है। जी हाँ, तुहानू सब नूं पता है यह तस्वीर शेर की है। जंतु शेर। ते इस तस्वीर नूं देखो ते पछाणो यह तस्वीर किस वस्तु की है। यह तस्वीर कंप्यूटर की है जड़ा कि आजकल साड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। वस्तु जिसका नाम है कंप्यूटर। अगली तस्वीर विच देखो कि दो बच्चे आपस विच गल्लां कर रहे हैं। उन्होंने चेहरे के भावों नूं समझन की कोशिश करिए। देखो उन्होंने चेहरे के भाव की दर्शा रहे हैं कि वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इस तस्वीर विच भी देखो औरत दे चेहरे नूं ध्यान नाल देखो ते पछाणो कि उसके चेहरे के भाव की हैं। जी हाँ, वो चिंता के भाव विच बैठी हुई है। ते बच्चों, नाव दी परिभाषा की हो गई। जड़े शब्द किसी व्यक्ति स्थान जीव वस्तु जां भाव दा बोध करवाउंदे हन उन्हां शब्दां नूं नाव आखदे हन। एक बारी फिर दोहराने हां, जड़े शब्द किसी व्यक्ति स्थान जीव वस्तु जां भाव दा बोध करवाउंदे हन उन्हां नूं नाव आखदे हन। आओ हुण किताब विच्चों पढ़िए। दुनिया विच हर चीज़ दा कोई ना कोई ना जरूर हुंदा है। असल विच ना तो बिना कोई चीज़ होंदी ही नहीं। जिवें मैं तुहाडे नाल पहले डिस्कस किया कि संसार विच हर चीज़ दा कोई ना कोई ना है ते असी चीज़ां नूं उन्हां दे नां नाल ही पहचानते हाँ। किसी कोलों कोई चीज़ लैनी होवे किते जाना होवे ना तो ही असी उस चीज़ की पछाण करते हाँ। जदों तुसी कोई चीज़ लैनी होवे ते ना तो ही उस चीज़ नूं मांगते हो, किते जाना होवे ते उस स्थान का ना लैके ही दसते हो कि तुसी किते जाना है। जिवें तुसी खेडन जाना चाहते हो ते अपनी मम्मी नूं दसते हो मैं पार्क विच जा रहा हाँ, या तुसी कोई खिडौना लैना है तो उस खिडौने का ना लैके दसते हो कि मैं वो खिडौना लैना है। भाव कि असी हर चीज़ की पहचान उसके ना तो ही करते हाँ। आओ हेठा कुछ जंतुआ के ना दिते गए हैं। जंतुआ यानी एनिमल्स। पिक्चर विच देखो पहली तस्वीर गां दी है, गां यानी जंतु। अगली तस्वीर विच असी कुत्ता देख रहे हैं, कुत्ता यानी जंतु।
अगली तस्वीर शेर दी है, शेर यानी जंतु। अगली तस्वीरां विच असी पंछियां दे नाम पढ़न जा रहे हैं, मैना, तोता, इल, ऐ सारे की हन पंछी हन। ते उस तो बाद सानू अगली तस्वीरां विच फलां दे नाम दिते गए हैं, केला, सेब, संतरा, हर फल का अपना अपना नाम है। ते आओ पेज नंबर 31 ते पढ़िए। पेज नंबर 31 ते सानू सब तो पहला सब्जियां दे नाम दिते गए हैं। पहली तस्वीर विच आलू, दूसरी तस्वीर विच गोभी, फिर बैंगन, ऐ सब्जियां दियां तस्वीरां दित्तियां गईयां हैं। ते उस तो बाद सानू कुछ वस्तुआं दे नाम दिते गए हैं। पहली तस्वीर मेज दी है, कुर्सी, किताब, ऐ सारियां की हैं वस्तुआं हैं। बच्चियां दे नाम, तुहाडे जड़े दोस्त हैं तुसी उन्हां नू किवें पहचानदे हो, उन्हां दे नाम दे नाल पहचानदे हो ना। ते इत्थे भी सानू कुछ बच्चियां दे नाम दिते गए हैं। पहली तस्वीर स्वाति दी है, दूसरी तस्वीर साहिल दी है, तीसरी तस्वीर कुणाल दी है। ते उस तो बाद इमारतां दे नाम, इमारतां दे नाम यानी बिल्डिंग्स ने। पहली तस्वीर ताजमहल दी है जो कि आगरा विच है, बहुत मशहूर इमारत दा नाम है। दूसरी तस्वीर कुतुब मीनार दी है जो कि हैदराबाद विच है, यानी कि ये सारियां इमारतां दे नाम है। उस तो बाद तस्वीर हरिमंदर साहब दी है जड़ा कि अमृतसर विच है, असी इस तस्वीर नू चंगी तरह पहचानते हैं। ते आओ हुन पेज नंबर 32 नू पढ़िए। पेज नंबर 32 ते भावां दे नाम, भावां यानी फीलिंग्स, जड़ियां चीज़ां नू असी महसूस करते हैं। पहली तस्वीर बुढ़ापा, बुढ़ापा एक मन का भाव है, फीलिंग है, किसी वस्तु का नाम नहीं, किसी स्थान का नाम नहीं है, यह की है मन का भाव है। अगली तस्वीर बचपन, बचपन भी किसी चीज़ का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बचपन असी महसूस करते हाँ, यह साढ़े मन का भाव है। अगली तस्वीर सर्दी, सर्दी भी असी महसूस करते हाँ, भाव की हो गए जड़ियाँ चीज़ों असी महसूस करते हाँ, साड़िया फीलिंग्स। अगले भाग विच समूहां दे नाम, समूह यानी ग्रुप्स, जिमें पहले समूह दे विच असी देख रहे हाँ लिखिया होया है सभा, सभा यानी कोई बैठक जिदे विच व्यक्ति वारी वारी अपने मन दे विचार पेश करते हैं ते बाकी लोग उसनू सुनते हैं। एक समूह बारे सभा शब्द यूज किया जाता है। अगली तस्वीर जमात, जमात यानी क्लास जिस विच सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं ते अध्यापक उन्होंने पढ़ाते हैं, ते एक समूह का ग्रुप का नाम है। अगली तस्वीर देखो इज्जड़, इज्जड़ यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इज्जड़ वर्ड यूज किया जाता है, बहुत सारे जानवर जब इकट्ठे होके खड़े होंदे हन ते उन्हां दे ग्रुप लई इज्जड़ वर्ड यूज किया जाता है। बच्चियो असी मन दे भावां बारे विचार किया, समूहां दे नाम बारे विचार किया, ते आओ हेठ दित्ती लाइन पढ़िए। ओ शब्द जो सानू किसे नाम दी जानकारी देन नाम अखवाउंदे हन, जड़े शब्द सानू किसे नाम दी जानकारी देंदे हन ओ की अखवाउंदे हन, नाव अखवाउंदे हन। बच्चो अज असी इत्थों तक ही पढ़ांगे, तुसी पाठ नंबर 5 नू चंगी तरह पढ़ना है, ते इस पाठ विच आए व्यक्तियां दे नाम, चीज़ां दे नाम, इन्हां सब नू चंगी तरह याद करना है ते लिख के इन्हां दी दोहराई करनी है। ते असी अगली वीडियो विच नाव दियां किस्मां बारे
जानकारी लवांगे। धन्यवाद।